बकरीद की नमाज का तरीका क्या है, यानी ईद उल अजहा की नमाज कैसे अदा करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ आसानी से मुकम्मल तरीका आपके सामने बयान करूंगा। सबसे पहले नियत के बारे में समझ जाइए। नियत इतनी जरूरी है कि आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, यही कहना है आपको। कहना भी जरूरी नहीं है, दिल में सोच लेना काफी है। अब कैसे, अगर आप सिर्फ इतना सोचते हैं मैं इमाम के पीछे बकरीद की नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करिए, नमाज आपकी शुरू हो गई, मैं गारंटी देता हूं आपकी नमाज इतनी नियत से हो जाएगी। लेकिन अगर आप लंबी चौड़ी नियत कहना चाहें कह सकते हैं, जायज है। कैसे, जैसे मैं 2 रकात ईद उल अजहा की वाजिब नमाज 6 जायद तकबीरात के साथ अल्लाह के वास्ते अदा कर रहा हूँ, मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लीजिए। इमाम जैसे अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधेगा, आप उसके पीछे पीछे अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लीजिए। हाथ बांधने के बाद सबसे पहले इमाम साहब सना पढ़ेंगे। सना क्या है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, और ये आहिस्ता से पढ़ेंगे। आपको भी पढ़ना है, जो इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं नमाज वो भी सना पढ़ेंगे। सना जब मुकम्मल हो जाए तो अब इमाम साहब तकबीर कहेंगे। 6 जायद तकबीरात, एक्स्ट्रा तकबीर 6 होती हैं, पहली रकात में 3 तकबीर, दूसरी रकात में 3 तकबीर। अब जब सना मुकम्मल कर लेंगे तो अब 3 तकबीर कहना है। कैसे कहेंगे, कैसे वो बता रहा हूं आपको। सबसे पहली मर्तबा तकबीर जो कहेंगे, अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ उठाएंगे और लटका देंगे, हाथ को छोड़ देंगे, हाथ बांधेंगे नहीं, ये पहली तकबीर थी। फिर थोड़ी देर के बाद इमाम जो करेगा आपके, आप इमाम के पीछे पीछे वही करना है आपको। अब दूसरी तकबीर फिर कहना है इमाम को, कैसे, अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे, सना के बाद ये दूसरी तकबीर थी। फिर तीसरी मर्तबा तकबीर कहना है, अल्लाहु अकबर, लेकिन तकबीर जो कहेंगे हाथ उठाएंगे कान तक और इस मर्तबा बांध लेंगे तीसरी तकबीर में। क्यों, इसलिए बांधेंगे क्योंकि अब आगे काम करना है, आगे कुरान पढ़ना है, तो इसीलिए तीसरी तकबीर में जायद तकबीर, जो तीसरी जायद तकबीर होगी उसमें हाथ उठाकर बांध लेना है। 2 पहली तकबीर में लटका लेना है, तीसरी तकबीर में बांध लेना है। तकबीर तहरीमा जो पहली सबसे नमाज शुरू करने की तकबीर थी उसको छोड़कर 3 तकबीर थी ये। अब इमाम साहब का काम शुरू होगा, वो कुरान पढ़ेंगे। कुरान जैसे औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीन अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब उसके बाद जब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इमाम साहब कहेंगे, अब आमीन कहना है। आपको कुरान नहीं पढ़ना है, आपको सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है, आप कोई आयत कोई सूरा वगैरह नहीं पढ़ना है, सिर्फ तकबीर कहना है, हाथ उठाना है, बांधना है, छोड़ना है, सना पढ़ना है, उसके अलावा रुकू की तस्बीह कहना है और जो सजदे में तस्बीह पढ़ते हैं वो तस्बीह है, अत्तहियात है, दुरूद शरीफ है, ये सब करना है। कुरान की तिलावत आपको नहीं करनी है, कुरान इमाम के जिम्मे है। हदीस में आता है, मन काना लहु इमामुन फक़रातुल इमामी लहु क़िरातुन, यानी इमाम का क़िरात कर लेना, इमाम का पढ़ लेना आपका पढ़ लेना हो गया, लिहाजा अब उसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इमाम का तस्बीह पढ़ना आपका तस्बीह पढ़ना नहीं होगा, इमाम का अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाना बांधना ये आपका नहीं होगा, इसलिए ये सब आपको भी करना पड़ेगा इमाम के साथ साथ। लेकिन कुरान पढ़ना नहीं है, क्योंकि कुरान पढ़ना इमाम का पढ़ना आपका पढ़ना होगा, ये हदीस में आ गया है। तो अब समझिए, तो इमाम साहब गैरिल मकदूबी अलीम अलीन कह के हाथ जो है आमीन कहेंगे, आमीन आहिस्ता से कहेंगे इमाम साहब, आप भी आहिस्ता से आमीन कहेंगे। अब उसके बाद फिर आपका काम खत्म, आप चुपचाप रहेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, आमीन भी आहिस्ता याद रखिएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर इमाम को सूरा पढ़ना है, सूरा कोई भी सूरा जो मसनून सूरत है वो पढ़ सकते हैं। मैं मुख्तसर बताने के लिए एक सूरा मुख्तसर छोटी सूरा पढ़ लेता हूँ, जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिक इज़ा वक़ब व मिन शर्री नफ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। अब जब सूरा मुकम्मल हो जाए तो रुकू को जाना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए, आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू को जाना है, रुकू की तस्बीह पढ़ना है, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए इमाम साहब खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहना है, बल्कि इमाम साहब जब कह के खड़े हो जाएंगे आप उसके साथ चुपचाप खड़े हो जाएंगे इमाम के साथ। अब इमाम साहब जब रुक जाएंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खत्म कर देंगे, अब आपको कहना है रब्बना लकल हम्द, फिर उसके बाद सजदे को जाना है, अल्लाहु अकबर, ये पहला सजदा हुआ। फिर एक मरतबा अल्लाह अकबर कह के बैठेंगे, फिर अल्लाह अकबर कह के दूसरा सजदा, और दूसरे सजदे से अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे। अब हाथ बांधेंगे, आप छोड़ना नहीं है, सीधा जैसे नमाज आमतौर पे करते हैं वैसे ही करना है। अब सबसे पहले इमाम का काम शुरू होगा, आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप खड़े हो जाना है। पहली रकात आपकी हो चुकी है, दूसरी रकात शुरू हो रही है, कैसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम पूरी सूरह, उसके बाद कोई सूरह और मिलाएंगे। अब जब कोई सूरह मिला के उसको मुकम्मल कर लेंगे, अब शुरू होगा तकबीर का मामला। ये बड़ा टेढ़ा मसला है, इसको जरा याद से रखिए, अच्छे से समझिए।
दूसरी रकात चल रही है ये। इमाम साहब जब किरात मुकम्मल कर लेंगे, तीन एक्स्ट्रा तकबीर कहना है हर रकात में। पहली रकात में हम लोग कह चुके थे सना के बाद, दूसरी रकात में किरात के बाद, कुरान पढ़ने के बाद, इमाम के किरात करने के बाद तीन तकबीर कहना है। यहां पर गड़बड़ है, तीन तकबीर तो है लेकिन असल में चार तकबीर है, तीन तकबीर तो एक्स्ट्रा कहना है हमको और एक तकबीर रुकू के लिए कहना है, यही समझाना चाहूंगा आपको। देखिए अब जब किरात मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ उठाएंगे अल्लाह अकबर कह के, हाथ छोड़ देंगे, बांधेंगे नहीं, लटका देंगे। पहली तकबीर थी ये एक्स्ट्रा तकबीर। फिर दूसरी मर्तबा थोड़ी देर के बाद अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे, ये दूसरी तकबीर थी, ये एक्स्ट्रा तकबीर थी। क्योंकि छह तकबीर हमको एक्स्ट्रा कहना है, पहली रकात में तीन हो चुकी थी, ये अब दो हो चुकी है। फिर तीसरी मर्तबा कहना है अल्लाहु अकबर, फिर तीसरी मर्तबा वैसे ही करेंगे, हाथ कान तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। अब ये तीन तकबीर मुकम्मल हो चुकी है एक्स्ट्रा, पहली रकात में तीन, दूसरी में तीन, छह तकबीर मुकम्मल। अब क्या करना है, एक और तकबीर कहना है रुकू को जाने के लिए, और रुकू में जाने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जायद और एक्स्ट्रा तकबीर में नहीं है, ये रुकू की तकबीर है। और रुकू में जो जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा रुकू में चले जाएंगे। अब ये रुकू में पहुंच गए, अब दूसरी रकात भी मुकम्मल हो रही है, फिर रुकू से उठेंगे, फिर वही मामला पहली रकात की तरह, फिर सजदे को जाएंगे, सजदे में जाने के बाद बैठेंगे, दो सजदा करने के बाद उसके बाद अत्तहियात दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के सलाम फेर देंगे। ये मुकम्मल तरीका है, बहुत आसानी से मैंने मुख्तसर जुमले में आपको समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। मोहतरम नाजरीन व सामईन, आप एक मोतबर व मुस्तनद चैनल MARB दीनी मालूमात देख रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद इसमें वीडियो डाले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है ये चैनल इस्लामी जिंदगी में आपके लाहद काम आए। आमीन।